जादुई सांप। ढोलकपुर गांव में एक प्यारी बच्ची अपने परिवार के साथ रहती थी। वो बहुत ही सुंदर और सुशील थी। घर वाले ही नहीं, पूरे गांव वाले उसे प्यार से मुन्नी कहते थे। एक दिन की बात है, ठंडे ठंडे पानी से नहाकर आई मुन्नी घर के आंगन में खुले बाल लिए लेटी अपने बाल सूखने का इंतजार कर रही थी। लेटे लेटे उसे झपकी आ गई। तभी वहां एक नागिन का बच्चा टहलते हुए आया और उसके खुले हुए फैले बालों में घुस गया। उसके गीले बालों में उसे इतनी ठंडक मिली कि उसे भी नींद आ गई। कुछ देर बाद मुन्नी की माँ ने आकर मुन्नी को उठाया। मुन्नी, ए मुन्नी, उठ, खुले बाल लेकर पड़ी है, ला चोटी कर दू। मुन्नी चल ना, कितनी देर से हम तेरी राह देख रहे थे। क्यों, भूल गई? आज हमारे गुड्डा गुड्डी की शादी है। अरे हाँ, चल चल। अरे नाश्ता तो कर जा, मैं गुड्डा गुड्डी की शादी में खा लूंगी। उसके बाद मुन्नी अपनी सहेली और एक दो और दोस्तों के साथ गुड्डा गुड्डी की शादी का खेल खेलने लगी। खेल खेलते हुए शादी में सात फेरों की बात आते ही वो अपनी गुड्डी को उठाकर सात फेरे लेने लगी। उसके साथ साथ उसके बालों में बंधे सांप के बच्चे के भी सात फेरे हो गए। चलो, गुड्डा गुड्डी का विवाह संपन्न हुआ। आज से ये दोनों पति पत्नी हुए। मुन्नी, अब तुम अपनी गुड्डी कमला को दे दो। क्यों? अरे क्योंकि शादी हो गई है। अब शादी के बाद लड़की अपना घर छोड़कर पति के घर जाती है। आज से पति ही उसका सब कुछ है। ऐसा क्यों? पति ही सब कुछ है, मैं क्यों नहीं? मुझे तो इतना ही पता है, बाकी बातें जाकर अपनी माँ से पूछो। मुन्नी जब घर पहुंची तो उसके पूछने पर माँ ने उसे बताया, पति क्या होता है? पति वो होता है जिसके साथ हम सात फेरे लेते हैं। सात फेरे लेने के बाद पत्नी का पूरी तरह ख्याल रखना, उसे जरा भी नुकसान न पहुंचने देना पति की जिम्मेदारी होती है। मुन्नी के बालों में बंधे नाग के बच्चे ने ये बात सुनी। नाग के बच्चे ने भी अपनी नागिन माँ से जाकर यही बात पूछी तो नागिन माँ ने भी वही बताया जो मुन्नी की माँ ने बताया था। तब नाग के बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ गई। मैंने भी मुन्नी के साथ साथ फेरे लिए थे, तब तो मुन्नी मेरी पत्नी हो गई। हाथ से उसका ख्याल रखना, उसे जरा भी नुकसान ना होने देना मेरा फर्ज है। और उस दिन से वो हर वक्त मुन्नी के आगे पीछे घूमता रहता। मुन्नी जहाँ भी जाती वो उसके पीछे पीछे पहुँच जाता, और अगर कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता। या मुन्नी, दिखा मेरे बाग के आम बीनकर भाग रही है। नहीं, ये मेरे बाग के आम है। झूठ बोल रही है। नहीं, ये सच कह रही है, ये इसी के बाग के आम है। चुप रह, तुझे जाना है तो जा। मुन्नी को तो तभी जाने दूंगा जब ये मुझे आधे आम देकर जाएगी। नहीं, मैं नहीं दूंगी। अरे दे, कैसे नहीं देगी? सांप, सांप, सांप! बचाओ, बचाओ! माफ कर दो मुन्नी, माफ कर दो, गलती हो गई। ठीक है, जाओ। अरे देखा तूने, इस सांप ने कैसे तेरी रक्षा की? तेरा दोस्त है क्या? मेरा दोस्त कैसे हो सकता है? बाय चांस ही आ गया होगा। उस दिन तो मुन्नी को लगा कि ये बाय चांस ही आ गया होगा, मगर उस दिन के बाद कुछ कई जगह उसे वो नाग बच्चा दिखाई दिया तो उसके समझ में आ गया कि ये तो उसका दोस्त है, हर जगह उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। ये बात उसने कमला को भी बताई। कमला ने उसे कहा,
किसी और को ना बताए, वरना कोई भी इस बात का फायदा उठाकर उसे पकड़ सकता है। पर उन दोनों बच्चियों की समझ में ये नहीं आया था कि आखिर ये मुन्नी के आगे पीछे क्यों घूमता रहता है। नाग बच्चा जब जब उनके ये सवाल सुनता, फुफकार कर कहना चाहता कि वो उसके आगे पीछे क्यों घूमता है, क्योंकि वो उसका पति है। मगर ना मुन्नी की समझ में कुछ आता, ना नाग बच्चा उन्हें समझा पाता। खैर, ये बात उनके बचपने में तो छिपी रह गई, मगर मुसीबत तब हुई जब मुन्नी ने जवानी में कदम रखा और एक दिन उसकी शादी के लिए कुछ लोग उसे देखने आए। वाह, लड़की तो बहुत सुंदर है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। शर्मा क्यों रही हो, अब तो हमेशा के लिए तुम्हें मेरे घर आ जाना है। अब ये बात चारों तरफ फैल जाती है कि मुन्नी के पीछे कोई नाग लगा है। बचपन में उससे आम छिनने वाला टपोरी लड़का, उसकी सहेली कमला और फिर शादी के दिन देखने आए लड़के का परिवार, खुद मुन्नी का परिवार भी इस बात का साक्षी हो जाता है कि नाग ने उनमें से किसी को भी कुछ नहीं किया, सिर्फ लड़के की फैमिली के पीछे भागा और उन्हें गांव की सरहद के बाहर तक खदेड़ के आया। अगर ऐसा ही रहा तो मुन्नी की कभी शादी नहीं होगी। उसके बाद भी जब कई बार उन्हें मुन्नी के पीछे नाग के होने का एहसास हुआ, तो मुन्नी के माँ बाप ने नाग से छुटकारा पाने के लिए एक सपेरे को बुलाया। कौन है तू, क्यों पीछे पड़ा है हमारी बच्ची के? घबराओ मत, ये कुछ कहना चाहता है। बोलो, क्यों पीछे पड़ा है हमारी बच्ची के? पति, तू किसका पति है? कैसे, ये शादी नहीं बच्चों का खेल था, तू जबरदस्ती सात फेरे ले लेगा तो ये शादी नहीं कहलाएगी। चुपचाप चला जाए यहां से। तू ऐसे नहीं छोड़ेगा हमारी बच्ची को। घबराओ मत, ये इस नाग की फैमिली है। समझाओ अपने बच्चे को, वरना उसे पकड़कर टोकरी में डालकर उसका वो हश्र करूंगा कि इंसानों की परछाई से भी दूर भागेगा। बाय बाय। अब आप अपनी मुन्नी की शादी कहीं भी करवा सकते हैं, अब ये नाग इसके पीछे कभी नहीं आएगा। और इस तरह जरा सी गलती से अपने आप को एक लड़की का पति मान बैठा नाग उसका पीछा छोड़कर चला जाता है। मुन्नी की शादी हो जाती है, वो भी सुखी जीवन जीने लगती है। वो आज भी अपने बच्चों को यही कहानी सुनाती है कि इंसान को हर पल हर जगह चौकन्ना रहना चाहिए। पता नहीं जाने अनजाने कब क्या गलती हो जाए, जो आगे चलकर हमारे लिए मुसीबत बन जाए। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह आसपास के गांव में भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का पेट पाला करता था। एक बार ब्राह्मण को लगने लगा कि उसे बहुत कम भिक्षा मिलती है, जिससे उसके परिवार का गुजारा चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसीलिए उसने सोचा, मुझे राजा से मदद लेनी चाहिए। ब्राह्मण रात दरबार जाने के लिए घर से निकल पड़ा। जब वो जंगल में से गुजर रहा था तो उसे एक पेड़ के पास एक सांप दिखाई दिया। सांप ब्राह्मण को प्रणाम करके बोला, हे ब्राह्मण महाराज, आज सुबह सुबह कहाँ जाने के लिए निकल पड़े? ब्राह्मण ने अपनी समस्या सांप को बताई। मैं राजा से सहायता लेने के लिए जा रहा हूँ। मुझे पता है आप क्या समस्या लेकर जा रहे हो। तुम्हारे घर में इस समय बहुत गरीबी छाई हुई है,
इसलिए राजा से मदद लेने जा रहे हो। सांप, आप तो सब जानते हो। हाँ ब्राह्मण, मैं जादुई सांप हूँ और भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। कैसी भविष्यवाणी? हे ब्राह्मण महाराज, मैं तुम्हें एक भविष्यवाणी सुनाता हूँ। तुम वो राजा को बता सकते हो, लेकिन मेरी यह शर्त है कि राजा से मिलने वाले धन में से आधा तुम मुझे दोगे। ब्राह्मण ने शर्त मान ली। राजा से कहना कि इस साल अकाल पड़ेगा, इसीलिए प्रजा को बचाने के लिए जो भी उपाय करना हो कर लेना। ब्राह्मण ने सांप को धन्यवाद दिया और राज दरबार के लिए रवाना हो गया। अगले ही दिन ब्राह्मण राज महल पहुंच गया। राजा से कहो, एक ब्राह्मण आया है जो भविष्यवाणी करता है। राजा ने ब्राह्मण को राज दरबार में बुलाकर पूछा, बताओ तुम भविष्य के बारे में क्या जानते हो? ब्राह्मण ने सांप द्वारा की गई भविष्यवाणी राजा को सुना दी। राजा ने भविष्यवाणी सुनी और कुछ धन देकर ब्राह्मण को विदा कर दिया। वापस लौटते हुए ब्राह्मण ने सोचा, यदि सांप को आधा धन दिया तो मेरा धन जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ब्राह्मण रास्ता बदलकर अपने गांव चला गया। भविष्यवाणी के अनुसार बहुत बड़ा अकाल पड़ा, लेकिन राजा ने पहले से ही जानकारी होने के कारण बहुत से इंतजाम कर दिए थे, इसीलिए प्रजा को कोई समस्या नहीं हुई। एक साल बीत गया, ब्राह्मण का धन धीरे धीरे खत्म हो गया और ब्राह्मण पुनः राजा से मदद लेने के लिए चल दिया। रास्ते में उसे फिर वही सांप मिला। अभिनंदन करने के बाद सांप ने फिर से ब्राह्मण से कहा, आधा धन देने के शर्त पर मैं तुम्हें एक भविष्यवाणी सुनाऊंगा। तुम मेरी भविष्यवाणी राजा को बता सकते हो। राजा से कहना, इस साल भयंकर युद्ध होगा, जो भी तैयारी करनी है कर लो। आधा धन देने का वादा कर सांप से विदा लेकर ब्राह्मण राज दरबार पहुंचा। राजा ने बहुत सम्मान के साथ ब्राह्मण का स्वागत किया और एक और भविष्यवाणी करने के लिए कहा, महाराज इस साल एक बहुत भयंकर युद्ध होगा, आपको जो भी तैयारी करनी है अभी से कर लो। इस बार राजा ने ब्राह्मण को पहले से भी अधिक धन देकर विदा किया। अब रास्ते में फिर ब्राह्मण ने सोचा, यदि सांप मिला तो आधा धन मांगेगा, इतने सारे धन का आधा मैं उसे क्यों दूं? क्यों ना सांप को लाठी से मार दिया जाए। हाथ में लाठी लिए ब्राह्मण जब सांप के पास पहुंचा तो सांप खतरा भांपकर बिल में जाने लगा। ब्राह्मण ने सांप पर पीछे से लाठी से वार किया जिससे सांप की पूंछ कट गई, लेकिन सांप जीवित बच गया। सांप की भविष्यवाणी के अनुसार इस साल राजा का पड़ोसी राज्य से भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन पहले से ही बहुत अच्छी तैयारी होने के कारण राजा युद्ध जीत गए। डेढ़ दो साल में ब्राह्मण का धन धीरे धीरे फिर से खत्म हो गया और उसके सामने फिर धन का संकट खड़ा हो गया। उसने एक बार फिर राजा से मदद लेने की सोची। एक दिन सुबह सुबह राज दरबार जाने के लिए नगर की ओर प्रस्थान किया। जंगल में पहुंचा तो ब्राह्मण सांप के आगे से नजर झुकाकर निकलने लगा। हे ब्राह्मण महाराज, इस बार मिलकर नहीं जाओगे? ब्राह्मण कुछ ना बोल सका और नजरें नीची करके खड़ा रहा। राजा से कहना कि इस बार राज्य में धर्म की स्थापना होगी, सब अच्छे काम होंगे, राजा और प्रजा सब सुख से होंगे। ध्यान रखना, जो भी धन मिले उसका आधा मुझे देकर जाना।
ब्राह्मण ने आधा धन देने का वचन दिया और राज दरबार की ओर रवाना हो गया। राज दरबार में पहुंचने पर ब्राह्मण का विशेष स्वागत किया गया। राजा ने पिछली दो भविष्यवाणियों के लिए ब्राह्मण को बहुत बहुत धन्यवाद किया और आने वाले समय के बारे में भी पूछा। महाराज, इस बार राज्य में धर्म की स्थापना होगी। राजा तथा प्रजा सुख और चैन की जिंदगी बिताएंगे। सब लोग अच्छा सोचेंगे और अच्छे काम करेंगे। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सारा धन देकर विदा किया। गांव वापस लौटते हुए ब्राह्मण ने सोचा, जब राजा ने थोड़ा धन दिया तो वो एक साल में समाप्त हो गया, जब ज्यादा धन दिया तो वो डेढ़ साल में समाप्त हो गया। सांप से गद्दारी की वो अलग, इस बार मैं सांप का सारा हिसाब कर दूंगा। सांप के पास पहुंचकर ब्राह्मण ने सारा धन वहां रख दिया और सांप से तीनों बार का धन लेने के लिए कहा। ब्राह्मण महाराज, जब अकाल पड़ा तो तुम रास्ता बदल कर निकल गए। जब युद्ध हुआ तो तुमने मेरी पूंछ काट दी, जिससे मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया। अब राज्य में धर्म की स्थापना हो गई है। मैंने भविष्यवाणी की थी कि लोग अच्छे काम करेंगे। तुम भी धर्म के रास्ते पर आ गए हो। हम जंगली जानवरों को धन की क्या जरूरत? इस सारे धन को तुम ले जाओ, खुशी से जीवन बिताओ और किसी के साथ कभी भी धोखा मत करो। सांप को धन्यवाद देकर ब्राह्मण अपने गांव आ गया और उसने निर्णय लिया कि कभी भी अब किसी को धोखा नहीं देगा। लालच इंसान को भटका देता है, तो कभी लालच या धोखाधड़ी ना करें। एक समय की बात है, एक बरगद के पेड़ पर कौवा दंपति प्रेम पूर्वक रहते थे। उसी पेड़ के कोटर में एक नाग रहता था। कौवी जब अंडा देती तो नाग उन्हें चट कर जाता। अपनी समस्या उन्होंने अपने मित्र गीदर से बताई। गीदर ने विचार कर उन्हें एक युक्ति बताई। मित्र, चिंतित मत हो, जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। महल से एक हार चुरा लाओ और कोटर में डाल दो। ध्यान रखना, हार चुराते हुए तुम्हें राज सेवक अवश्य देखे। कौवी महल पर मंडराने लगी। रानी तालाब में सखियों के साथ नहा रही थी। उनका हीरो का हार कपड़ों के पास रखा था। कौवी उसे चोंच में लेकर उड़ चली। रानी ने सेवकों को पुकारा, देखो देखो, कौवा मेरा हार ले जा रहा है, जल्दी उसके पीछे दौड़ो। पहरेदारों ने देखा और अपने शस्त्रों के साथ उसके पीछे दौड़ चले। कौवी उड़ती हुई बरगद के पेड़ के पास पहुंची और कोटर में हार को गिराकर स्वयं पेड़ पर बैठ गई। सेवकों ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था। हार निकालने के लिए वे अपना भाला बार बार कोटर में डालने लगे। नाग बेचारा भाले के वार से घायल होकर बाहर भागा तो सेवकों ने उसे मार डाला। सेवक हार लेकर चले गए। कौवा दंपति खुशी खुशी रहने लगे। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? युक्ति बिगड़ी बात भी बना देती है, समझे बच्चों? हाँ दीदी, युक्ति माने आइडिया।